प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं से की गई वादा खिलाफी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर युवा क्रांति यात्रा शुरू की है, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयोजित की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए शुरू की गई युवा क्रांति यात्रा 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर से वाया कंडवाला होते हुए जिला कांगड़ा पहुंचेगी, जहां नूरपुर में यात्रा का स्वागत किया जाएगा। यह यात्रा 30 जनवरी को दिल्ली में राजघाट पर संपन्न होगी, जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। ये बात प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि युवा क्रांति यात्रा 20 से 22 जनवरी तक प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर व शिमला संसदीय क्षेत्रों में होते हुए गुजरेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी एवं गरीब विरोधी नीतियां एवं कदमों के खिलाफ युवाओं को बड़े पैमाने पर जागृत करना है। इस यात्रा के माध्यम से हम देश के हर हिस्से तक पहुंचना चाहते हैं। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष शेखर सेठी, धर्मशाला युवा कांग्रेस प्रभारी हेमंत शर्मा, महासचिव अमित पठानिया, सुरजीत भरमौरी व निशांत ठाकुर, सौरभ ठाकुर आदि मौजूद रहे। मनीष ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके विरोध में बजट सत्र के दौरान 20 या 22 जनवरी को यूथ कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र के साथ प्रदेश सरकार भी युवाओं से विश्वासघात किया है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा का आगाज किया है, युवा क्रांति यात्रा, जो 16 दिसंबर से जिसकी शुरुआत हो चुकी है कन्याकुमारी से, जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव चंद यादव जी और उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी वो कर रहे हैं, और लगातार वो विभिन्न प्रदेशों के अंदर विभिन्न जिलों और विधानसभा से गुजरते हुए उस यात्रा का जो आगमन है हिमाचल प्रदेश के अंदर 20 जनवरी को होने जा रहा है। कंडवाल बैरियर पर हम उनको रिसीव करेंगे और उस कड़ी में नूरपुर के अंदर पहली बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। उसके पश्चात अलग अलग विधानसभा से जाते हुए शाहपुर, आपका धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वालाजी, डेरा जसवा और ऊना होते हुए ये नालागढ़, बद्दी, पौंटा से उत्तराखंड की ओर जाएगी। ये 22,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा है और इसमें लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं, और उस 3 दिन की यात्रा में हमारे यूथ कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी खंडवाल बैरियर से लेके उत्तराखंड बैरियर तक उनको छोड़कर आएगी। और इस यात्रा का मुख्य मकसद यही है कि पिछले 4.5 सालों के अंदर, जो उससे पहले 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे वो सिर्फ जुमला साबित हुए, उन जुमलों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, युवाओं को उसकी याद दिलाने के लिए किस तरह का भ्रष्टाचार पिछले 4.5 सालों में हुआ, क्या महिला सुरक्षा के बारे में इन्होंने बात की थी, नोटबंदी और GST से क्या नुकसान हुआ, वो सारे कारण गिनाने के लिए ये सड़कों पर उतर कर यूथ कांग्रेस एक माहौल के रूप में काम कर रही है। और लोगों के दिमाग में इसका इतना ज़बरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है, और आप जगह जगह देख रहे होंगे, सर्च भी करेंगे नेट के ऊपर, उसमें बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन इसमें इस यात्रा को मिलता है।